गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज़ योर 12th क्लास केमिस्ट्री एंड वी वर डिस्कसिंग लेसन नंबर 2 सॉल्यूशंस जो था, जिसमें हम क्या कर रहे थे, पॉजिटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन एंड नेगेटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन हम डिस्कस कर रहे थे। इसमें हमने क्या डिस्कस किया था, प्रेशर थ्योरेटिकल ऑब्जर्व्ड। इसमें क्या होता है, थ्योरेटिकल ऑब्जर्व्ड ज़्यादा होता है थ्योरेटिकल से, और नेगेटिवली डेविएटेड में क्या होता है, ऑब्जर्व्ड लेसन होता है थ्योरेटिकल से, ठीक है। और क्या था, डेल वी ग्रेटर देन ज़ीरो होता है, इसमें डेल वी लेस देन ज़ीरो होता है। थर्ड पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे, डेल एच इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो होता है, इसमें डेल एच लेस देन ज़ीरो होता है। पॉजिटिव होता है पॉजिटिवली डेविएटेड में, नेगेटिव होता है नेगेटिवली डेविएटेड में। अब देखिए, ए ए जो एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन शो करते हैं, बहुत अच्छे से रहते हैं, मतलब जैसे दो स्टूडेंट हैं, उनकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, उनको वो एक ही बेंच पे बैठते हैं, अगर उनको हटा करके दूसरे बेंच पे दूसरे स्टूडेंट के साथ आपस में बिठा दिया जाए तो उन्हें पसंद नहीं आएगा, तो उसको रिपेल करेंगे ना, रिपेल करेंगे तो इजीली, तो ऐसे ही इनमें हो रहा है, इनका बॉन्ड स्ट्रांग है एज़ कम्पेयर टू सॉल्यूट, और सॉल्वेंट का बॉन्ड स्ट्रांग है एज़ कम्पेयर टू सॉल्यूशन, ठीक है। वो इजीली ब्रेक हो सकते हैं, इजीली टूट सकते हैं, ठीक है, तो इनको तोड़ने में एनर्जी कम यूज़ होगी एज़ कम्पेयर टू इनमें जितनी एनर्जी इनको तोड़ने में जितनी एनर्जी लगती है, मतलब इनके मान लो 10 और 10 है आपका टोटल, ठीक है, और इसके एक मॉलिक्यूल को दो हो गए ना, तो इसको 2 कर लो, एक मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए आपको 10 की जगह 8 लगानी पड़ रही है दो की, ठीक है, कितने हो गया, 16 हो गया, ठीक है, 16 हो गया, रिलीज़ हो रही है -16, तो इसको जब हम इक्वेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8 आपका 4 प्लस 4 आ जाएगा, तो क्या आ गई आपकी, ज़ीरो से ज़्यादा वैल्यू आ गई। और इसी तरह से इसमें लेस देन ज़ीरो होती है, इसमें क्या होगा, ए ए साथ में खुश नहीं थे, बी और बी भी साथ में अच्छा बॉन्ड नहीं बना रहे थे, लेकिन ए और बी जो हैं उनको अच्छा लग रहा है एक दूसरे के साथ, दे बॉन्ड ईच अदर वेरी वेल, बहुत स्ट्रांग बॉन्ड बन रहा है, तो इसमें क्या होगा, इसको तो बहुत सारी एनर्जी रिलीज़ हो जाएगी, बहुत सारी एनर्जी रिलीज़ हो जाएगी, इसमें तो पर मॉलिक्यूल 2 कम हो गए, इसमें पर मॉलिक्यूल 2 बढ़ जाएंगे, ये 10 एनर्जी ले रहे हैं बॉन्ड बनाने में, तो ये कितनी लेगा, एक की 12 हैं तो उसकी 24 हो गए, तो टोटल कितना हो गया, -24 और ये 20, तो -4 आंसर आ गया ना इसका, -4 आंसर आ गया, तो लेस देन 0। तो ये था आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन में पॉजिटिवली डेविएटेड फ्रॉम रॉल्फ लॉ और नेगेटिवली डेविएटेड फ्रॉम रॉल्फ लॉ, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, देखिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो किस चीज़ पर डिपेंड करती हैं, सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन पर, किस चीज़ पर डिपेंड करती हैं, सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन पर, तो लिखिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या है, टॉपिक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ वो होती हैं किसी भी होमोजीनियस सॉल्यूशन की, ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ आर द प्रॉपर्टीज़ आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ होमोजीनियस सॉल्यूशन, होमोजीनियस सॉल्यूशन, हम ये इस चैप्टर में होमोजीनियस सॉल्यूशन की स्टडी कर रहे हैं, होमोजीनियस क्या होते हैं, जिनके जो पार्टिकल हैं वो सेम नेचर के होते हैं, होमोजीनियस सॉल्यूशन दे आर दोज प्रॉपर्टीज ऑफ होमोजीनियस सॉल्यूशन विच जो किस पर डिपेंड करती हैं, विच डिपेंड्स ऑन the quality of solute की quality पे depend करती हैं, या फिर number of moles क्या होता है, weight upon molecular weight, solute की है ना, number of moles, या फिर
क्वालिटी ऑफ सॉल्यूट, ये मोल्स, यही होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, कितना प्रेजेंट है एक पर्टिकुलर लिक्विड में, पर्टिकुलर सॉल्वेंट में, एक सॉल्यूशन में कितना प्रेजेंट है क्या सॉल्यूट, वही क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स होते हैं ना। तो नंबर ऑफ मोल्स पर जब कोई प्रॉपर्टी डिपेंड करती है, ठीक है, जब कोई प्रॉपर्टी डिपेंड करती है तो हम उसको बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। द नेचर ऑफ सॉल्यूट डज नॉट अफेक्ट एनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, नेचर ऑफ, क्या मतलब है स्टेटमेंट का, कि नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ मोल्स पर जो प्रॉपर्टी डिपेंड करती है, क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट पर जो डिपेंड करती है, कितना सॉल्यूट डाला है हमने उस पर डिपेंड करती है, इस पर डिपेंड नहीं करती कि वो सॉल्यूट कैसा है, नेचर पर डिपेंड नहीं होती ये प्रॉपर्टीज़, ठीक है, नेचर पर डिपेंड नहीं होती ये प्रॉपर्टीज़, किस पर डिपेंड रहती है, नंबर ऑफ मोल्स यानी कि क्वांटिटी, कितनी मात्रा, कितने अमाउंट में आपका सॉल्यूट प्रेजेंट, ओनली क्वांटिटी पर डिपेंड रहती है, ठीक है। तो वो होता है नेचर पर डिपेंड नहीं रहती, जो सॉल्वेंट के नेचर पर डिपेंड हो सकती है कि सॉल्वेंट में सॉल्यूट कितना डिसॉल्व हो रहा है, वो तो अलग अलग नेचर होता है ना, अगर वो पोलर है तो पोलर सॉल्यूट अच्छे से डिसॉल्व होगा उसमें, नॉन पोलर है नॉन पोलर सॉल्यूट अच्छे से डिसॉल्व होगा उसमें। तो इसमें क्या है, क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट की जो क्वांटिटी है उस पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ मोल्स पर क्या डिपेंड करती है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी होती है होमोजीनियस सॉल्यूशन की, जो किस पर डिपेंड करती है, क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट, क्वालिटी नहीं, ये टी में लिखने में गड़बड़ हुई है, क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, क्वांटिटी यानी नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड है, नेचर पर डिपेंड नहीं है। तो नो नेचर डिपेंडेंट, क्वालिटी प्रॉपर्टी डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्यूट। कौन कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, सबसे पहले क्या थी, रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जो हम कर चुके हैं, रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। नेक्स्ट है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना, ठीक है, और थर्ड है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट का कम होना, और फोर्थ है ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये इनमें से हम एक कर चुके हैं, हम स्टार्ट करेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है, हम स्टार्ट करेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, सबसे पहले देखेंगे आप बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट आपने छोटी क्लासेस से पढ़ा होगा, व्हेन अ लिक्विड स्टार्ट कन्वर्ट इनटू वेपर, एक लिक्विड स्टेट से वेपर में कन्वर्ट होने लग जाती है, वो जो पॉइंट आता है उसको हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट, नए कॉन्सेप्ट के साथ नई डेफिनेशन बॉइलिंग पॉइंट की क्या बनेगी, कि बॉइलिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, इट इज द टेम्परेचर, ये वो टेम्परेचर है एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, ठीक है, किसके एटमोस्फेरिक प्रेशर के, एटमोस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए, द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमोस्फेरिक प्रेशर, एटमोस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, जब लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमोस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए तब हम उसको बोलते हैं
कि उसका बॉइलिंग पॉइंट आ गया। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या लेते हैं हम, 1 atm, मतलब 1 atmosphere, ये इसके यूनिट की तरह मेजर करते हैं, ठीक है। अब इसके जो फॉर्मूला ड्राइव करना है हमें, किसका, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का, वो हम कल डिस्कस करेंगे। यहाँ तक हम करते हैं, जिसको रिवाइज करना है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।